अभी थोड़ा सा साइड में आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर व्हील लगा हुआ है और एक एल रोलर लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू माई रूम वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम। प्लस दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं शूट करता हूँ वीडियोज़ अपने। तो चलिए दोस्तों विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट। तो चलिए दोस्तों एंटर करते हैं अभी हमारे रूम के अंदर जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। दोस्तों ये है मेरा छोटा सा स्टूडियो जहाँ पर मैं अपना सारा काम करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर। दोस्तों यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो कि लाइफ स्टडी भी है, स्टिल लाइफ भी है और कुछ एक रेफरेंस फ़ोटो से बनाई गई इमेजेस भी हैं। तो दोस्तों ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये भी हाल ही में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स अकेडमी ऑफ अमृतसर में भी एग्जीबिट हुई थी, जो एग्जीबिशन हर साल होता है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको वीडियो में दोस्तों आज ये भी बताने वाला हूँ किस तरीके से मैं वीडियो शूट करता हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये दोस्तों पेंटिंग ये भी लाइव स्टडी की गई थी। दोस्तों ये मैंने सेटअप करके स्टिल लाइफ थोड़ा सा ड्रामेटिक उसमें तभी बनाई थी। और यहाँ पर दोस्तों जो ये पेंटिंग आप देख रहे हैं वाइट जो ये गाउन में लेडी है, ये दोस्तों मेरी पहली साइज़ की ऑयल पेंटिंग थी। इससे पहले मैंने कुछ एक पेंटिंग्स बनाई थी बट इस साइज़ की नहीं बनाई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और मुझे अब भी याद है दोस्तों, मुझे इसको बनाने में 2 दिन लगे थे और मैंने करीब करीब दोस्तों इस पर लगातार ही काम किया था और 2 दिन में ये बन करके रेडी हो गई थी। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा वाइट पेंट यूज़ हुआ था आप देख सकते। और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी पेंटिंग, और कोई अगर आपका सजेशन है दोस्तों वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और यहाँ पर दोस्तों लगा हुआ है एक हेड स्टडी का चार्ट जो कि मैंने एंड्रू लूमिस स्टडी से किया हुआ है। दोस्तों मैंने ऐसे और भी काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा एक अलग वीडियो में, वो मैंने अभी फाइल में रखे हुए हैं। और दोस्तों ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ये पेंटिंग मैंने विमेन ग्रोथ के ऊपर बनाई थी, और आप इसको पोज करके आराम से देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में इसको अच्छे से देखना है तो। प्लस दोस्तों यहाँ पर भी आते हैं ये स्मॉल स्टडीज़। दोस्तों ये मैं जो मेरे पास कैनवस बच जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने बड़े कैनवस से शीट काटी और उसमें साइड में से शीट बच जाती है, छोटी पट्टी बच जाती है, तो उसमें से मैं छोटे छोटे पीसेस कैनवस के निकाल देता हूँ और उन पर मैं स्टडीज़ करता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों है एक कलर व्हील और ये रेक्टेंगल एल शेप का स्केल जो कि राइट एंगल स्केल है। यहाँ पर वैल्यू स्केल है और सेचुरेशन स्केल है, और यहाँ पर है टिंट एंड शेड का स्केल। प्लस दोस्तों ये मैंने एक स्टडी की हुई है जो कि मैंने 24 शेड का एक रॉयल टैलेंट्स का कलर का सेट ख़रीदा था ऑयल पेंट का, तो मैंने सभी के टिंट्स बना करके यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि मुझे कलर मिक्सिंग में थोड़ी आसानी रहे। और मैंने इसको यहीं पर चिपका दिया ताकि जब भी मैं पेंटिंग करूँ तो यहाँ से मैं रेफरेंस के लिए कलर्स देख सकूँ। और यहाँ पर दोस्तों है एक हॉर्स पेंटिंग जो कि मैंने थोड़ी सी टेढ़ी लगाई हुई है जस्ट टू मेक इट लुक थोड़ा सा ड्रामेटिक लगे। और यहाँ पर दोस्तों ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ये मैंने बनाई थी जॉन विलियम वाटर हाउस की कॉपी वर्क, मास्टर कॉपी है ये। और इस पेंटिंग का दोस्तों जो टाइटल है वो है सोल ऑफ रोज। मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये पेंटिंग, सो आई डिड अ कॉपी ऑफ इट। और यहाँ पर दोस्तों हैं कुछ स्केच बुक्स, हम नीचे थोड़ा आते हैं अगर, तो ये स्केच बुक दोस्तों वो है जो मैं अभी हाल ही में जिन स्केच बुक्स में मैं काम कर रहा हूँ। और दोस्तों ये जो नीचे आप ट्रंक देख रहे हैं इसके अंदर काफ़ी सारा आर्ट मटेरियल रखा है, कुछ एक्सेसरीज रखी हैं जो कि डेली यूज़ में काम नहीं होते लेकिन उनका काम रहता है, तो इसलिए मैंने उनको इस ट्रंक के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों कुछ नीडी डिरेजर हैं। दोस्तों मैं नीडी डिरेजर से जब भी काम करता हूँ तो मैं उसको कहीं ना कहीं चिपका के छोड़ देता हूँ, तो अभी मैंने हाल ही में सफाई की थी वहाँ पर से मुझे सभी मिली है, तो अभी मैं खुश हूँ और मैंने इनको अभी अच्छे से रखा हुआ है। अभी दोस्तों ऊपर आते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर रखे हुए हैं ब्रशेस। और ब्रशेस में दोस्तों मेरे पास ऑयल कलर की ब्रशेस हैं, एक्रेलिक की ब्रशेस हैं और भी तरह तरह की ब्रशेस हैं। और यहाँ पर कुछ पैलेट नाइफ्स हैं और कुछ स्मॉल ब्रशेस हैं। दोस्तों यहाँ पर है ये राधा जी की पेंटिंग, और इसके थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये पेंटिंग अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपने ज़रूर देखी होगी। इस पेंटिंग को दोस्तों मैंने मार्च में बनाया था और इसका टाइटल था आइसोलेट विद लव, जब लॉकडाउन शुरू ही हुआ था तभी मैंने इस पेंटिंग को बनाया था। और यहाँ पर कुछ स्टैंड्स रखे हुए हैं दोस्तों, ये पोर्टेबल ईजल्स हैं आउटडोर के लिए। ये दोस्तों है एक्रेलिक मीडियम, जेसो और वाइट पेंट।
और दोस्तों यहाँ पर कुछ मेटेलिक के कलर्स रखे हुए हैं, एक्रेलिक के कुछ फोल्डर्स रखे हुए हैं, एक ब्लैक कैनवस का रोल है, और दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा ब्लैक कैनवस का रोल है। यस, ब्लैक कैनवस भी दोस्तों आता है अगर आपको नहीं पता हो तो, और वाइट कैनवस का रोल है, प्लस और कुछ छोटे कैनवस रखे हुए हैं या फिर कुछ इनकम्प्लीट पेंटिंग्स होंगे। और दोस्तों ये है कुछ स्टैंड्स जो मैं वीडियो बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, ये मैंने जुगाड़ करके खुद ही बनाए हुए हैं, और मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इनसे मैं शूट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर कुछ पेंसिल्स रखी हुई है, और है ये चारकोल है, ऑयल्स हैं, इंक है, और कुछ छोटी पेंसिल्स रखी हुई है। और थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर स्टेडलर का एक बॉक्स रखा है, लेट मी ओपन इट। ऑयल रखे हुए हैं, टर्पेंटिन ऑयल, और कुछ रजिस्टर्स और कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई है, कुछ छोटे कैनवस के पीसीज रखे हुए हैं, कटआउट्स। और दोस्तों ये रजिस्टर वो हैं जिनके अंदर मैं जब भी बुक पढ़ता हूँ या फिर कोई नेट से आर्टिकल पढ़ता हूँ तो मैं इनके अंदर नोट्स बना लेता हूँ। और दोस्तों इस कंपार्टमेंट में रखे हुए हैं ऑयल पेंट्स, कुछ पेंसिल्स रखी हुई हैं, और यहाँ पर दोस्तों और भी थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। प्लस दोस्तों ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑयल कलर के ट्यूब्स रखे हुए हैं, और ये हैं कुछ ग्लास पैलेट्स। अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इजंट इट फनी। दोस्तों मेरा जब भी मूड थोड़ा सा ऑफ होता है तो मैं इसके साथ प्ले कर लेता हूँ कुछ देर। तो अभी दोस्तों हम लोग इस तरफ आते हैं, और यहाँ पर दोस्तों ये है एक पेंटिंग जो कि इनकम्प्लीट है, और मेरे को ये हैबिट अपनी ओवरकम करनी है जहाँ पर मैं इनकम्प्लीट पेंटिंग्स छोड़ देता हूँ बहुत। और ये छोटा सा एक नोट लिखा हुआ है, और नीचे है दोस्तों बुद्धा की पेंटिंग। इसकी दोस्तों मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर दोस्तों रखे हुए कुछ प्रिपेयर्ड कैनवस स्ट्रेच किए हुए, और अभी थोड़ा ऊपर हम लोग आते हैं तो दोस्तों ये है ब्यूटी लाइज इन द आई सीरीज़ की पेंटिंग्स। और यहाँ पर दोस्तों ये रेड कलर से मुझे चीज़ याद आई, रेड कलर का दोस्तों आपको एक नीचे बटन दिख रहा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ सब्सक्राइब, उस पर आपको क्लिक करना है, और उसके साइड में छोटा सा बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा। दोस्तों ये सभी मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम का गैप दे करके बनाई थी 2017-18 में। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल टिप होगा कि आप अपने रूम में एक पेपर ज़रूर लगा लीजिए जहाँ पर आपको जब भी कोई मटेरियल ध्यान में आए तो वो आप उस पर लिख दें, ताकि आपको सामान लेने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है। और यहाँ पर कुछ बोर्ड्स रखे हुए हैं अलग अलग साइज़ के, दोस्तों इन पर मैं पेस्ट करके कैनवस तो मैं काम करता हूँ इनके ऊपर। यहाँ पर दोस्तों कुछ फोल्डर्स रखे हुए हैं जिनके अंदर मैं अपना पेपर्स रखता हूँ, और इसके अंदर दोस्तों मैं अभी रिसेंट वर्क करता हूँ जो भी, वो मैं इसके अंदर रखता हूँ, बड़े वाला काम इसमें रखता हूँ। और इसके बाद ये जो एक और बड़ा फोल्डर आप देख रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी शीट्स रखी हुई हैं अलग अलग तरह की, जो कि कैंसन है या फिर आइवरी शीट्स है, कार्ट्रिज है, ब्लैक चार्ट है, और अलग अलग तरह की पेपर्स। तो थोड़ा इधर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट है, ये एक छोटी सी पेंटिंग लगी हुई है, और उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ दोस्तों, ये पेंटिंग दोस्तों मैंने 3 साल पहले स्टार्ट की थी और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। दोस्तों मैंने 3 साल से काम नहीं कर रहा हूँ इस पर, काम मैंने कुछ ही दिन किया, अभी मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर 2018 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको साइन करके डिस्प्ले भी कर दिया था, घर में फंक्शन था और सब ने काफ़ी प्रेज़ भी किया था इसको। तो अभी आप एक बार दूर से इसको देख लीजिए अच्छे से। प्लस दोस्तों आपके कोई भी आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है या फिर पेंटिंग से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। तो अभी हम लोग घूम के आ गए हैं दोस्तों वहीं उसी कॉर्नर पे, तो छोटा सा मेरा ये स्टूडियो है। यहाँ पर अभी मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें दिखा दी हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर बैठ करके मैं काम करता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह का मेरा काम करने का सेटअप रहता है, सिंपल है बिल्कुल, एक मेज़ है, एक चेयर है और एक ईजल है, इस पर सामान रखा हुआ है, ये स्केचबुक है और एक स्केचबुक रखी हुई है इसके नीचे। दोस्तों ये एक मैंने जुगाड़ करके डिफ्यूज़र बनाया हुआ है लाइट, जो मुझे थोड़ा हेल्प करती है कलर जजिंग में जब भी मैं पेंटिंग करता हूँ। तो लाइट चलाने के बाद दोस्तों जो है सीन कुछ ऐसा रहता है, और लाइट बंद करके ऐसा रहता है, तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है लाइट से, काम करने में भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है।
तो इस चेयर पे दोस्तों मैं बैठ जाता हूँ काम करने के लिए, और सामने मेरे रहता है कैनवस, साइड में रहता है ब्रशेस और पैलेट। तो काम दोस्तों मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, बनाता हूँ मज़े से पेंटिंग्स। दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैं वीडियो शूट करता हूँ। मैंने आपको दिखाया था ये स्टैंड, तो इस स्टैंड को मैं अभी लेके चलता हूँ यहाँ से, और इस तरीके से दोस्तों इसी जगह पर मैं रख के इसको वीडियोज़ बनाता हूँ, सेम इसी स्पॉट पे। तो दोस्तों ये जो मैंने बनाया वो कैनवस रोल से मैंने बनाया हुआ है। कैनवस रोल के अंदर मैंने ये कैनवस ट्यूब लगाई हुई है, ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे कैनवस रोल थे, तो और इसके अंदर दोस्तों मैंने सैंड डाली हुई है ताकि ये स्टेबल रहे और हिले नहीं बिल्कुल। मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी सैंड डाली हो ताकि हैवी हो गया ये, तो स्टेबल रहता है अभी बिल्कुल। तो अभी मैं दिखाता हूँ दोस्तों मैं इस पर अपना मोबाइल कैसे अटैच करता हूँ वीडियो शूटिंग के लिए। तो दोस्तों आपको एक रबर बैंड लेना है, दो रबर बैंड ले सकते हैं, अगर आप दो रबर बैंड लीजिए, उनको कुछ इस तरीके से दोस्तों आप जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, और पीछे से उसको लेके आइए और कुछ इस तरीके से उसको लगा दीजिए, और ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा, कहीं नहीं जाएगा ये, आप देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको एंगल सेट करना है दोस्तों तो उसके नीचे आप कुछ भी चीज़ लगा दीजिए, इरेजर लगा दीजिए या फिर पेपर थोड़ा फोल्ड करके रख दीजिए, और वो बिल्कुल स्टेबल रहता है। मैं इसी तरीके से शूट करता हूँ दोस्तों, और यही मैंने जुगाड़ अपने बिठाए हुए हैं। अभी दूसरा दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा स्टैंड है, ये भी मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, और इसके अंदर मैंने अलग अलग हाइट पे होल किए हुए हैं, और इन होल्स के अंदर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये मैंने काइंड ऑफ जुगाड़ करके अच्छा सा अपना दिमाग विमाग लगा के सही बनाया हुआ है, और ये दोस्तों मैंने वैसे ही इस पर जो फ़ोन है वो अटैच कर दिया है रबर बैंड के साथ। तो ये दोस्तों ट्यूब आपको इस तरीके से इसमें डालनी है, और जब आप ट्यूब दोस्तों अंदर डाल देते हैं तो फिर ये कुछ इस तरह का दिखता है। और मैं आपको भी थोड़ा पीछे जाके अच्छे से पूरा व्यू दिखा देता हूँ इसका, कि किस तरीके से शूटिंग वो होती है। तो दोस्तों ये दूसरा सेटअप है, वो खड़े होके बनाने वाला सेटअप था, और ये दोस्तों जैसे मैं स्केच या जिन भी चीज़ों की वीडियो बनाता हूँ वो उसका सेटअप इस तरीके से रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और मैं स्क्रीन भी दिखाता हूँ दोस्तों आपको, कि मोबाइल की स्क्रीन, ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वीडियो जो है वो दिखती है उसके अंदर, ऊपर से टॉप व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ मोबाइल का व्यू। तो दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों ये आप देख लीजिए किस तरीके से जुगाड़ की हद तक मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ नीचे, लकड़ी पूरी, ताकि ये जो बोर्ड है ये मैं टेढ़ा करके रख सकूँ। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने का, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग।